दोस्तों, हम लोगों को हमेशा लगता है कि पुण्य कर्म करने वालों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वर्ग जाने का असली हकदार कौन है और वह कौन सा पाप है जिसे करने वाले मनुष्य को नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता। आज एक प्राचीन कहानी के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि पूजा पाठ, दान धर्म, जप तप आदि प्रकार के लाखों पुण्य के काम करने के बाद भी कुछ मनुष्य नरक में ही क्यों जाते हैं, तथा अत्यधिक घोर पाप करने पर भी कुछ मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति किस पुण्य के कारण मिलती है। ऐसा वह कौन सा पुण्य है जो मनुष्य के लाखों पापों का नाश करता है, और ऐसा वह कौन सा पाप है जो उसके पुण्यों को नष्ट कर डालता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, बोधी थिंक्स बाय यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। एक समय की बात है, एक गांव में एक आदमी रहता था। उसे हर समय चिंता सताती रहती कि उसने अपने जीवन में कौन से बुरे कर्म किए होंगे जो इतना कष्ट भुगतना पड़ रहा है। वह अपनी रोजमर्रा जीवन से परेशान हो गया था। एक दिन दुखी होकर एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी उसका एक मित्र वहां आता है और उससे उसकी उदासी का कारण पूछता है, तो वह अपने मित्र से सब कह सुनाता है। तब उसका मित्र कहता है, भाई तुम चिंता मत करो, गांव से कुछ दूर एक महात्मा अपने आश्रम में रहते हैं, तुम उनके पास जाओ, जो भी उनके पास जाता है उसकी समस्या दूर हो जाती है। तब वह आदमी कहता है कि भाई अगर ऐसा है तो मैं आज ही उनके पास जाऊंगा। फिर वह आदमी उस महात्मा से मिलने के लिए निकल पड़ता है। गांव से कुछ दूर चलने के बाद उसे एक आश्रम दिखता है। वह आश्रम में जाकर महात्मा को प्रणाम करता है और अपनी समस्या उन्हें बताता है। है देवर्षि महाराज, कुछ मनुष्य पाप करने पर भी स्वर्ग में क्यों जाते हैं, और कुछ मनुष्य को पुण्य करने के बावजूद भी नरक में क्यों जाना पड़ता है। ऐसा वह कौन सा पाप है जो सभी पुण्यों को नष्ट कर डालता है, और वह कौन सा पुण्य है जो समस्त पापों को भस्म कर डालता है। तब महात्मा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, भंते, आज तुमने संसार के कल्याण हेतु उत्तम प्रश्न किया है। इसी संदर्भ में आज मैं तुमको एक प्राचीन कहानी सुनाता हूं, जिससे सुनकर तुमको तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसीलिए तुम इस कहानी को ध्यान से पूरा जरूर सुनना। वह आदमी कहता है, हे महात्मा, आपके मुख से इस कहानी को सुनना मेरा सौभाग्य है। मैं इस कहानी को ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगा और इसका प्रचार करूंगा, शायद इससे मेरे जीवन में कुछ प्रभाव पड़े। महात्मा कहते हैं, भंते, पूर्व काल की बात है। मध्य देश के एक नगर में एक ही समय पर चार व्यक्तियों की मृत्यु एक ही साथ हुई थी। वे सभी लोग विचारों में अलग अलग और अलग अलग प्रदेश के रहने वाले थे। केवल संयोग से ही उन चारों का अंत एक ही समय पर हो गया था। एक ही समय पर यम के दो दूत उन चारों को लेने के लिए आए थे। मरने वालों में एक तो किसी प्रदेश का राजा था, दूसरा बड़ा धनी व्यापारी था, तीसरा एक पूजा पाठ करने वाला पंडित था, और चौथा गरीब मजदूर था जो दिन भर मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। और वे सभी मृत्यु के पश्चात यमलोक में पहुंच जाते हैं। यमलोक पहुंचने पर वहां का दृश्य देखकर वे सभी भयभीत हो जाते हैं, उनका अंगंग कांपने लगता है। यमलोक में विशालकाय आकार वाले यमराज सुवर्ण से बने सिंहासन पर विराजमान होते हैं। उनके पास चित्रगुप्त बैठे होते हैं, जिनके पास सभी प्राणियों का लेखा जोखा रखा हुआ है। यम के दूत उन आत्मा को आगे धकेल रहे होते हैं। कुछ मनुष्य जोर जोर से विलाप कर रहे होते हैं, तो कुछ मनुष्य अत्यंत प्रसन्न होकर चल रहे होते हैं। स्वर्ग के द्वार से सुंदर प्रकाश दिखाई पड़ रहा होता है, तो वही नरक के द्वार से धधकती हुई अग्नि की ज्वालाएं दिखाई पड़ रही होती है। इस भयानक दृश्य को देखकर वे चारों एक दूसरे से बात करने लगते हैं और अपने अपने पाप के विषय में चर्चा कर रहे होते हैं। उन चार लोगों ने अपने जीवन में बहुत पाप कर्म किए हुए होते हैं, और उन सभी को यह जान पड़ता है कि अब वे चारों ही नरक में ही जाने वाले हैं। जब यम दूत उन चारों आत्माओं को लेकर यमराज के सभा में पहुंचे, तो उनके सम्मुख जाकर खड़े हो गए। वे चारों सोच रहे थे कि कौन स्वर्ग में जाएगा और कौन नरक में जाएगा। यमराज अपने आसन पर विराजमान नहीं हुए थे। उससे पहले ही चारों आपस में बातचीत करते हुए स्वयं को ही स्वर्ग का मिलना चाहिए, यह कहने लगे। सबसे पहले राजा कहने लगा, देखो, मुझे तो धर्मराज पक्का स्वर्ग में ही भेज देंगे, क्योंकि मैं एक विश्वविख्यात राजा हूं।
मैंने अपने अनेक सदकर्मों से धरती लोक पर अपना खूब नाम कमाया है। चारों तरफ लोग मेरे अच्छे कर्मों की चर्चा करते हैं। कभी भी कोई मेरे द्वार से खाली हाथ नहीं गया। जो भी आया मैंने उसे इतना दिया कि वह जीवन भर मेरा नाम नहीं भूल पाया है। हर तरफ मेरे नाम का यशव गान हो रहा है। मेरे द्वारा लुटाए गए दान से लाखों लोगों को खाने को अन्न मिला और रहने को आसरा मिला। इसलिए मेरे कर्मों को देखते हुए धर्मराज मुझे पक्का ही स्वर्ग में भेजेंगे। राजा की बात सुनकर वह धनी व्यापारी हंस पड़ा और बोलने लगा, तुम तीनों तो इतने बड़े पापी हो कि तुम लोगों को नरक में जाना ही पड़ेगा। तुम लोगों ने घोर पाप किए हैं और इसीलिए यमराज तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे। यहां पर मौजूद मैं अकेला ही सबसे अधिक पुण्यवान हूं। मैंने अपने जीवन में बहुत पूजा पाठ किया है, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी है, मैंने मृत्यु से पूर्व गाय का दान भी किया है और अब मेरे सभी पुत्र पौत्र मेरी आत्मा की मुक्ति के लिए बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। वे मेरे लिए श्राद्ध दान तर्पण कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, इसीलिए मैं सबसे अधिक पुण्यवान हूं। मेरी दो पत्नियां और 5 पुत्र हैं। इतने लोग मेरी मुक्ति के लिए उपाय कर रहे हैं और हां, मैंने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया है और जाने अनजाने में किए भी होंगे तो मेरे पुत्रों के श्राद्ध आदि के कार्यों द्वारा मेरे पाप भी नष्ट हो जाएंगे। मैं नित्य देव पूजा करता था, मंदिर जाता था, द्वार पर आए अतिथियों को भोजन कराता था। इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि यमराज मुझे नरक में नहीं डालेंगे और मुझे मोक्ष की प्राप्ति निश्चित ही होगी। धनी व्यापारी की बात सुनते ही पंडित जी कहने लगे, अरे भाई क्यों फिजूल की बातें कर रहे हो? स्वर्ग में जाना कोई आसान काम नहीं है। स्वर्ग में जाने के लिए दान के साथ साथ पूजा पाठ करना पड़ता है। इसीलिए स्वर्ग में प्रस्थान तो मैं ही करूंगा, क्योंकि मैंने भगवान का खूब पूजा पाठ किया है। पूरा जीवन मेरा पूजा आराधना में बीता है। मेरे शुभ कर्मों के कारण मेरे लिए ही धर्मराज स्वर्ग का दरवाजा खोलेंगे, यह बात मैं अच्छी तरह से जानता हूं। जब इस प्रकार तीनों ने अपनी अपनी बातें की और अपने अपने विचार रखे, फिर वह तीनों लोग उस चौथे व्यक्ति मजदूर की ओर की देखते हैं कि अब यह क्या कहता है, क्या इसने भी कोई अच्छा काम किया है या नहीं, या फिर इसका पूरा जीवन मजदूरी करते हुए दूसरों के अधीन रहकर ही बिता है। दूर उन सब की बातों को चुपचाप नीचे नजरें झुकाए खड़ा सुनता रहा और वे तीनों बड़े गर्व से अपनी प्रशंसा में झूठे थे। तभी धर्मराज अपने साथी चित्रगुप्त के साथ दरबार में हाजिर होते हैं। चित्रगुप्त के हाथों में एक मोटी सी किताब थी जिसमें समस्त प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा लिखा था। धर्मराज अपने आसन पर विराजमान होते हैं। उसके बाद चित्रगुप्त ने राजा को अपने पास बुलाया और उससे पूछने लगे कि तुम बताओ, तुम तो धरती पर बड़े ही विख्यात राजा थे, तुमने अपने जीवन में कौन कौन से शुभ कर्म किए हैं तथा कितने लोगों को दुख दिया है, कितने लोगों का भला किया है? मैं अपनी पुस्तक में देखकर यह फैसला करूंगा कि आप स्वर्ग में जाने के अधिकारी हैं या नहीं। तब बड़े गर्व के साथ राजा अपने कर्मों को बताता है, हे मुनिवर, मैं एक बहुत बड़े राज्य का स्वामी था। मेरा राज्य बड़ा ही समृद्ध और खुशहाल था। मेरे राज्य में दिनहीन गरीब लोग बहुत ही कम थे। सब मेरी छत्र छाया में बड़े आनंद के साथ जीवन यापन कर रहे थे। मैंने अपने राज्य के लोगों को किसी चीज की कमी नहीं होने दी। मेरे यहां हर भूखे को भोजन मिलता था। लाखों की धन मोहर उन्हें रोज दान में दी जाती थी। प्रजा के लोग मुझसे बहुत खुश रहते थे। दिन रात में यही मेरे जीवन के अच्छे कर्म हैं। राजा की बात सुनकर चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक उठाई और उसमें देखने लगे। पुस्तक में देखकर उन्होंने राजा को बताया कि तुम जो कह रहे हो वह बिल्कुल सत्य है। तुमने अपनी प्रजा को बहुत सुख दिया है, परंतु इसके साथ साथ तुमने बहुत बड़ा अपराध भी किया है। तुमने अपनी राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए जितने युद्ध लड़े हैं, उन युद्धों में हजारों लाखों की संख्या में सैनिकों ने अपनी जान गंवाई है। उन सब की मृत्यु का कारण तुम बने हो। उनके परिवारों को, उनके बच्चों को अनाथ करने वाले तुम हो। उनके स्त्रियों को विधवा बनाने वाले भी तुम हो। उनकी मां की गोद भी सुनी करने वाले तुम हो। तुमने अपने ही सैनिकों के हजारों परिवारों को हमेशा दुख दिया है। युद्ध लड़कर राज्य बढ़ाने से अच्छा था कि तुम अपने पड़ोसी देशों से मित्रता करके उनके साथ व्यापार बढ़ाते। आपका राज्य तब भी समृद्ध और संपन्न रहता। तुमने अपनी प्रजा को नहीं,
सैनिकों को सुखी बनाया है, इसलिए तुम स्वर्ग के अधिकारी नहीं हो। यह बात सुनकर राजा चुपचाप पीछे हो गया। उसके बाद चित्रगुप्त ने व्यापारी से पूछा, आपने धरती पर कौन कौन से अच्छे कर्म किए हैं? तब व्यापारी कहता है, हे भगवान, मैंने धरती पर जितना धन कमाया उसका आधा भाग अच्छे कामों में लगाया, लाखों लोगों को भोजन कराया, कई आश्रमों को दान दिया है, कई बेघर लोगों को अपने धन से भर दिया है, कई शहरों में मंदिरों का निर्माण कराया है, कई जगह पर धर्मशालाएं बनवाई हैं, प्रत्येक तीर्थ में भंडारे करवाए हैं, यही मेरे जीवन के अच्छे कर्म हैं। व्यापारी की बात सुनने के बाद चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक खोली जिसमें उसके जीवन के सारे अच्छे बुरे कर्म लिखे हुए थे। फिर यमराज कहते हैं, अरे दुष्ट, तूने जो पाप किया है वह तो उन चारों के पापों के सामने कुछ भी नहीं है। तेरे एक पाप के कारण तेरा सारा पुण्य फल नष्ट हो गया है। यदि तूने यह पाप नहीं किया होता तो तू स्वर्ग में जा सकता था, लेकिन तूने यह पाप जानबूझकर किया है, इसीलिए तुझे नरक में अवश्य जाना पड़ेगा। इतना सुनकर वह धनी व्यापारी बोलता है, हे धर्मराज, इन चारों ने जो भी पुण्य किए हैं वह तो मैंने भी किए हैं, बल्कि उनसे ज्यादा किए हैं। फिर भी मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मुझे नरक में भेजा जा रहा है? यमराज कहते हैं, हे दुष्ट, याद कर, तूने उस अबला विधवा नारी पर गलत लांछन लगाया था कि उसने तेरे घर पर चोरी की है, और इसके साथ ही तूने उसके ऊपर कई अन्य गलत लांछन लगाए थे, उसे व्यभिचारिणी और वेश्या कहकर उसके चरित्र का हनन किया है, और राजा ने उसे सत्य समझकर उस अबला विधवा नारी को मृत्यु दंड दे दिया था। मनुष्य ब्रह्म हत्या, चोरी, मदिरापान आदि प्रकार के घोर पापों से भी प्रायश्चित करके मुक्त हो सकता है, किंतु दूसरों पर गलत लांछन लगाने पर कोई प्रायश्चित नहीं है जो दूसरों पर गलत आरोप करता है, सत्य जानकर भी दूसरों को झूठ कहकर उनके पर दोष डालता है, वह तो सबसे बड़ा पापी है। उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए तूने जितने भी पुण्य किए हैं वे सभी उसे एक पाप के कारण नष्ट हो गए। तुमने धरती पर जो दान धर्म किया है वह तुमने उस पैसे से किया है, जिसको कमाने के लिए तुमने बहुत झूठ बोला है, तुमने बहुत ठगी की है, कई चीजों में मिलावट करके बेचा है, नकली चीजों को असली के दाम में बेचा है, कितने व्यापारियों को रास्ते से हटाया है, तुम्हारे इन कर्मों से अनजाने में कितने लोग बीमार होकर मर गए हैं, कितनों ने आत्महत्या कर ली, कितनों की मेहनत का पैसा तुम्हारे पास चला आया, उन सब लोगों की बद्दुआ तुम्हारे साथ है। तुमने जो कुछ भी अच्छा काम किया है वह कर्म शून्य हो गया है, इसलिए तुम्हारे पास भी तुम्हारा कोई शुभ कर्म नहीं है, तुम स्वर्ग में जाने के अधिकारी नहीं हो। चित्रगुप्त की बात सुनकर व्यापारी भी बड़ा उदास होकर पीछे हो गया। उसके बाद पंडित जी को आगे बुलाया और पूछने लगे, तुमने अपने जीवन में कौन से अच्छे कर्म किए हैं? तब पंडित जी कहते हैं, हे मुनिवर, मेरा पुण्य यह है कि मैंने हजारों लोगों को ज्ञान दिया है, हजारों यज्ञों के अनुष्ठान को संपन्न कराया है, हजारों के घरों में पूजा पाठ कराया है, दिन रात मैंने ईश्वर का जप तप किया है, हजारों कन्याओं का विवाह कराया है, लाखों पिंडदान श्राद्ध कराए हैं, अनगिनत लोगों को मार्गदर्शन किया है, इससे ज्यादा शुभ कर्म और क्या हो सकता है? तब चित्रगुप्त अपनी पुस्तक में देखकर बताते हैं, हे पंडित महाराज, आपका कहना सत्य है, आपने वास्तव में हजारों लोगों को ज्ञान दिया है, लेकिन उस ज्ञान पर स्वयं कभी अमल नहीं किया। आपने सैकड़ों यज्ञ पूजा अनुष्ठान कराए, पर उसको निस्वार्थ भाव से किया गया, कोई कर्म नहीं था। तुम हमेशा से धन के लालची रहे हो, इसलिए तुम स्वर्ग में जाने के अधिकारी नहीं हो। अब वो पंडित जी भी उदास होते हुए पीछे हो गए। अब बचा केवल मजदूर। वह मजदूर यह सब देखकर बड़ा हैरान था कि अब तक वह जिनको इतना महान समझ रहा था उनमें से कोई भी स्वर्ग का अधिकारी नहीं रहा, तो मैं कैसे स्वर्ग में जा सकता हूं? मुझे तो स्वर्ग की कल्पना भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं तो कभी पूजा पाठ, जब तब या दान करने के लायक भी नहीं था, तो शुभ कर्म कहां से करता? मैं तो मेहनत मजदूरी करके सारे जीवन अपने परिवार का भरण पोषण करता रहा। वह मजदूर यह सब बातें सोच ही रहा था, इतने में ही चित्रगुप्त ने उसे भी आवा लगा दी और उससे पूछा, किंतु वह मजदूर तो पहले से ही कहने लगा, भगवान, मैंने धरती पर एक गरीब के घर में जन्म लिया था, दान हवन पूजा पाठ करने के मैं लायक ही नहीं था, तो मैं शुभ कर्म कहां से करता?
मैं तो अपने परिवार का पालन पोषण बड़ी मुश्किल से कर लेता था। मैं जानता हूं भगवान कि मैं स्वर्ग में जाने का अधिकारी नहीं हूं। मैंने धरती पर भी नर्क भोगा है और आगे भी नर्क में ही जाने की हैसियत है, किंतु हे प्रभु, यहां पर भी मेरी एक इच्छा है। मैं स्वर्ग में तो नहीं जा पाऊंगा, लेकिन मैं एक बार स्वर्ग को अपनी आंखों को झपकाकर देखना चाहता हूं। इससे अधिक मेरी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया है जो कुछ देर के लिए ही मुझे स्वर्ग में पहुंचा दे। मजदूरी के बाद लोगों की सेवा के लिए मेरे पास समय नहीं बच पाता था। बचा हुआ समय मैं अपने बूढ़े मां बाप की सेवा में लगा देता था। उनके लिए उन्हें खिलाता पिलाता, उनके वस्त्र बदलता, यही मेरी दिनचर्या थी। मुझे तो मंदिर में जाने का भी अवसर नहीं मिलता था। मजदूर की बात सुनकर चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक में देखकर पूछा, हे मानव, तुम ध्यान से सोचकर बताओ कि तुमने कभी तो कोई शुभ कर्म किया होगा। तब मजदूर अपने पूरे जीवन के घटनाक्रम को याद करता है। तब उसे याद आता है कि एक बार उसे बहुत तेज भूख लगी थी। वह रोटी खाने के लिए बैठा ही था, कितने में वहां एक बहुत ही कमजोर बीमार कुत्ता टहल हुआ आ गया, जो ठीक से चल भी नहीं पाता था। वह आकर मेरे सामने बैठ गया और मेरी रोटी की ओर गौर से देखने लगा। मैं समझ गया कि वह कुत्ता बहुत भूखा है। मेरे अंदर से आवाज आई कि बेजुबान जानवर को छोड़कर तू अकेला कैसे खा सकता है। मैंने वह रोटी स्वयं ना खाकर उस कुत्ते को खिला दी। उस दिन मैंने पूरे दिन भूखे पेट रहकर ही काम किया था। मजदूर की बात सुनकर चित्रगुप्त मुस्कुराए और उसका हाथ पकड़कर बड़े सम्मान के साथ उसे स्वर्ग में लेकर गए और बोले, वास्तव में आप ही स्वर्ग में रहने के अधिकारी हो। प्राणी, यों पर दया दिखाना ही सबसे बड़ा शुभ कर्म है। मनुष्य जो भी कर्म निस्वार्थ भाव से करता है, वास्तव में उसका ही उसे सबसे बड़ा पुण्य मिलता है। निस्वार्थ भाव से किया गया जन कल्याण के लिए एक छोटे से छोटा काम भी आपके सैकड़ों पापों को नष्ट कर देता है। लोगों से लालच, मोह और स्वार्थ के वशीभूत होकर किया गया शुभ कर्म भी फलदायी नहीं होता है। इसलिए ध्यान रहे, जीवन में अच्छे कर्म अच्छी भावना के साथ करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने किसी से धन छीनकर या चुराकर कर्म में लगा दिया हो, वह धन आपने किसी से गलत करके लिया हो और बाद में उसी धन को दान पुण्य में जाने से नहीं उभर सकता। दोस्तों, स्वर्ग में वही व्यक्ति जाता है जिसने निष्काम निस्वार्थ भाव से प्राणियों की सेवा की हो। भले ही उसने जीवन में एक पैसा भी दान ना किया हो, पर वह जिस लायक था, अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसने निस्वार्थ भाव से जो भी काम है वही उसकी मुक्ति का रास्ता तय करता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको यह कहानी अवश्य ही अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए, मिलते हैं ऐसी ही कोई नई कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।